शांति, स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल गांव की शांति में। और मेरी जो भी मैं चूल्हे पे बना रही हूँ वो वाली वीडियो आप सब बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। आज मैं बनाने वाली हूँ बेसन की सब्जी और चावल, जो खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है। बेसन की सब्जी को राजस्थान में गट्टे की सब्जी बोलते हैं, हमारे यहाँ खरौड़ा बहुत बहुत नाम से जाना जाता है। लेकिन आज मैं जो चूल्हे पे ये सब्जी बनाने वाली हूँ ना, उसको एक बार आप ट्राई करके देखना, उसके बाद आप सब कुछ भूल। तो आप सब कैसे हैं और कैसे हैं आप सब प्लीज मुझे बताइए। मैं तो ठीक हूँ। मेरी वीडियो इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि अभी मैं बहुत ज्यादा थोड़ी सी परेशान और बहुत ज्यादा बिजी हूँ, क्योंकि घर में बहुत सारे काम पड़े हुए हैं तो प्रॉपर वीडियो आ नहीं पा रही है, बट मैं कोशिश करूंगी। आज मैंने सोचा कि रात, अभी देखिए रात हो गया है और बहुत दिनों से लाइट नहीं आ रही है, फोन जला जला के खाना बनाना पड़ रहा था। तो आज मैंने सोचा कि आज मैं चूल्हे पे खाना बना रही हूँ तो आप सबको दिखा भी दूँ। तो चलिए देखिए, थोड़ी सी मस्ती, थोड़ा सा चटपटा और थोड़ा सा प्यार भरा हुआ ये ब्लॉग। लेकिन उससे पहले लेके चेहरे पे स्माइल प्लीज कर लीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और याद से नोटिफिकेशन को यानी घंटी को दबाना ना भूले, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप सब के पास नोटिफिकेशन जल्दी से पहुंचे। और आप वीडियो को भावनाओं में खो जाते हैं, वीडियो देखने में लाइक नहीं करते, इसलिए प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट करना ना भूले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं मैं क्या करने वाली हूँ। कुछ तो और मुझे कमेंट करके ये भी बताइए कि आप और कौन सी रेसिपी है जो चूल्हे पे देखना चाहेंगे, या फिर मैं आप सबको बना के दिखाऊं। ये देखिए, यहाँ पे मैंने बेसन पीस लिया है, घर पे ही मैंने चने के दाल से बेसन बनाया है। और इसमें मैंने हरी मिर्च, लहसुन, थोड़े से गरम मसाले, नमक, हींग, ये सब मैंने मिला लिया है। इसमें मैंने ये देखिए, ये मैं ऐड नहीं कर पाई क्योंकि मेरा फोन चार्ज नहीं था, इसलिए। तो यहाँ पे तेल गरम हो चुका है और ये घोल मैंने तैयार कर लिया है, ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और इसमें थोड़ा सा जीरा, आंच भी सही करनी है साथ साथ में। और थैंक यू आप सबका, YouTube पे आप सब सपोर्ट कर रहे हैं मुझे, थैंक यू सो मच। इनका क्या करूं, ये मैंने बिग बॉस की शहनाज को देख के ये बाल घर पे खुद से काट लिए थे। अब ये हो चुका है तो फिर मैं अब इसमें मिला दूंगी और इसको हम जल्दी से मिलाते हुए चलाते हुए मिलाएंगे। और ये देखिए, इसको बिल्कुल हमें ऐसा बना देना है हलवे की तरह। और ये हो चुका है और अब हम अगला प्रोसेस करना शुरू करेंगे। थोड़ा सा तेल लगा के थाली पे और फैला लेंगे। ये तेल लग गया तो अब हम इसको थाली पे जो है तेल लगा के अपना जो ये बनाया है उसको थोड़ा देर ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो ये देखिए, ऐसे करके आप इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दें। सरसों का तेल अभी गर्म हो रहा है, तब तक के लिए ये जो है इसको हम चेक कर लेते हैं कि ये ठंडा हो गया है कि नहीं। अभी ये हुआ नहीं है तो हम ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं। वो हमारा गर्म हो चुका है, गर्मी बहुत ज़्यादा है यूपी में, क्या बताऊँ मैं। यहाँ पे बारिश तो हुई थी, लेकिन ये जाएगा जीरा, हाँ बहुत सी हुई थी तो और भी ज़्यादा। और उधर सारा प्याज आप सब देख रहे हैं, और यहाँ पे देखिए कितना सारा प्याज हमारा
सड़ा है हमारा कितना सारा प्याज। इसके बाद हम ऐड करेंगे इसमें हींग, फिर इसके बाद और ये देखिए यहाँ पे है प्याज, लहसुन, हरी मिर्च, ये मैंने सिलबट्टे पे पीसा अंदर, इसलिए मैं दिखा नहीं पाई और धुआं लग रहा है थोड़ा सा, तो इसमें मैंने सारा कुछ काट, थोड़ी देर के लिए पहले भूनेंगे, आंच भी देखनी है प्रॉपर लगनी चाहिए। और इसमें मसाले में बता देती हूँ, आप चाहें तो गरम मसाले जो है वो पीस के भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन पाउडर वाले मसाले भी ऐड करिए, तो गरम मसाला, सब्जी मसाला, थोड़ा सा जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, नमक, हल्दी, ये सारे मसाले में अभी मैं इसमें ऐड करूँगी, मैं पहले ही बता देती हूँ। अब मैं इसमें अपने टमाटर जो है वो ऐड कर रही हूँ, और ये देखिए हमारे मसाले जो हैं वो अच्छे से भुन गए, इतना ज़्यादा धुआं लग रहा था, और पता है अब ये देखिए हल्दी, बारिश के बाद ना जब हम कुछ करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा अजीब सा एक उमस बन जाता है, और बारिश यहाँ बहुत ज़्यादा हो रही है 2-3 दिनों से, तो एकदम रुक ही नहीं रही। और मैंने इसमें मिला दिया है नमक, नमक अपने स्वाद के हिसाब से आप मिला सकती हैं, और टमाटर मैंने पहले बोल दिया था, मैं अभी टमाटर मिला रही हूँ क्योंकि मसालों के साथ साथ हमारे जो टमाटर हैं वो भी अच्छे से भुन जाए। और आप प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे, और मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है शांति ओझा यूट्यूबर, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, और मेरी टिकटॉक की आईडी है QT2600, आप सब वहाँ मेरी वीडियो देख सकते हैं। तो ये देखिए एकदम बाप रे बाप, इतना ज़्यादा धुआं लगा है। तो ये देखिए हमने ग्रेवी की तैयारी कर ली है, तो अभी कढ़ाई हम थोड़ा मसाला भुन गया है उतार के उसको ढक देंगे, तब तक बीच में ये हमारा ठंडा हो गया है अब, और ये आप सबके लिए, ये मत समझिएगा चाकू में, ये बेसन का ये बर्फ़ी जैसा बिल्कुल लग रहा है ना। चलिए ठीक है, मैं बहुत जल्द आप सबके लिए बेसन की बर्फ़ी या फिर लड्डू कुछ मैं बना के जल्दी दिखाने वाली हूँ, क्योंकि बेसन जो है ना वो बहुत ज़्यादा, मतलब अभी घर पे मैंने थोड़ा सा बेसन बनाया है बट चक्की में भी गया है, तो पहले हम तवा गरम करेंगे, उस पर तेल लगा के इसको फ्राई कर लेंगे दोनों साइड से, इससे ये बहुत ज़्यादा कुरकुर, मतलब कुरकुर कुरकुर लगता है, बहुत टेस्टी लगता है। और बस ऐसे ही बनती है सब्ज़ी बेसन की, मैंने अपनी दादी को ऐसे ही, हमारे बनारस यूपी की फेमस है, इसको हम खड़ाउरा बोलते हैं, पता नहीं आप सबके यहाँ इसको क्या बोलते हैं, मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो इसको यहाँ पे देखिए, चूल्हे की खाने की ना बात ही अलग होती है। और इस वीडियो को अच्छा अच्छे से लाइक करिए, क्योंकि मैं बहुत जल्द इतनी जल्द मैं फिर से अब चूल्हे का खाना नहीं लेके आने वाली, क्योंकि बरसात हो रही है ना, तो बरसात में तो बाहर बनाना मतलब पॉसिबल नहीं है, और हमारे घर में तो क्या बताऊँ मैं आप सबको, सांपों का डेरा है। तो यहाँ पे हम अच्छे से इसको फ्राई कर लेंगे, फिर उसके बाद हम इसको, और जब तक ये पानी जो हमने डाला है वो गर्म एकदम उबाल ना आए, तब तक हम इसमें ये जो बेसन की जो हमारी सब्जी है वो है वो उसमें ऐड नहीं करना है। बहुत सारे लोग मैं देखती हूँ कि पानी डाला, उसके साथ सब्जी डाल दी और उबाल दिया, ऐसे तो ये पूरी की जो बर्फी की तरह ही मुझे लग रहा है बनाए हैं वो टूट जाते हैं, तो इसलिए ध्यान दें कि पानी में एकदम अच्छे से उबाल आ जाए, उसके बाद हमें इसे तुरंत डालना है, 2 मिनट के लिए कुक करना है, और धनिया पत्ता डालेंगे और सब्जी तैयार हो जाएगी उसके बाद। तो ये देखिए हमारी सब्जी जो है एकदम खाने के लिए एकदम तैयार है, मतलब हम खाने के लिए तैयार हैं, ये बन के तैयार है, और अरे चिमटा भाग 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 भाग। तो ये हमारी सब्जी जो है देखिए बन गई है, और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, हमारी दादी जब बनाती थी बाप रे बाप, बहुत ज़्यादा मैं खाती थी। तो ये देखिए इस पर हम डालेंगे धनिया पत्ता, और ये बन गई हमारी सब्जी। तो ये थी आज की वीडियो, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको अच्छी लगी होगी, और ये देखिए चांद हमारे आंगन से कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। तो गुड नाइट, बाय बाय, मिलते हैं हमें अगली वीडियो।